हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग रहेगा ड्रोन कैसे ऑपरेट करें, क्योंकि आज हमारा स्टूडेंट हमारे पास अभी जस्ट पहुंचने ही वाला है। आज उसको हम ड्रोन ऑपरेटिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज देंगे और आप भी शायद उसके ज़रिए कुछ सीख पाओ। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में आने ही वाला है, जो मेरा स्टूडेंट है शायद जल्दी आने वाला है, अभी आ जाएगा। तो उसके बाद में चलते हैं अपने आउटडोर ओपन एरिया में, जहाँ पे ट्रैफिक ना हो वहाँ पे निकलते हैं। तो वहाँ पे आपको मिलकर ड्रोन के बारे में आपको सारा कुछ बताएंगे वहाँ पे। तो फिलहाल वेट कर रहे हैं अभी हमारे स्टूडेंट का। तो फिलहाल आ ही चुके हैं हमारे स्टूडेंट, ये साइकिल लेके आए हैं अभी और अभी हमारे पास पहुँच गए हैं। आप मेरे को लग रहा थोड़ा लेट हो गए, चलो कोई दिक्कत। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे पास अभी पहुँच चुका है, इनका नाम आप बताइए। संदीप रोशिया, ये कमाना से ही हैं और अभी ड्रोन ऑपरेटिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। बाकी क्लासें इनको दी हैं, आज आपको आपके सामने ये ड्रोन ऑपरेट भी करेंगे, जिससे आपको भी सीखने को मिलेगा। और अभी अपने सामान को चेक कर लेते हैं पूरा ड्रोन का। तो अभी चेक कर, ड्रोन ऑपरेटिंग मेरे स्टूडेंट को सिखाने के लिए अभी जा रहे हैं आउटडोर बाई साइकिल। ये हम निकल रहे हैं यहाँ से और आपको इधर का भी दृश्य दिखा देता हूँ, क्योंकि खेत बिल्कुल ओपन हैं, इतने मतलब ट्रैफिक नहीं, ड्रोन के अकॉर्डिंग दूर दूर तक वृक्ष हैं, कोई खास इतना मैटर नहीं है। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो आपको लेके जा रहे हैं अपने एग्जिट लोकेशन पे। उधर से वो आ रहा है, तो मैं साइकिल से जा रहा हूँ, वो पैदल आ रहा है। और अभी बस जल्द ही हम पहुँच जाएँगे अपने एग्जिट लोकेशन पर। ये देखिए कच्चा रास्ता है, क्योंकि खेतों का आपको पता कच्चा ही होता रास्ता। अभी ज़मीनें बिल्कुल एकदम तैयार हैं फसल के बीजने के लिए, और फसलें कट चुकी हैं, निकल चुकी हैं, अच्छा मौसम है, लोग अपने अपने वर्क में बिजी हैं, खेतों वाले, बहुत अच्छा माहौल है। हम हमारी साइकिल से जा रहे हैं एग्जिट लोकेशन, जहाँ पे हम शूट करेंगे और उनको सिखाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं एग्जिट लोकेशन पे। तो सबसे पहले अपने ड्रोन को ओपन करते हैं, बैग को इसका निकालते हैं। पहले मैंने आपको सामान पूरा वॉच किया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अभी इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है और दो बैटरियाँ हमारे साथ में हैं, एक ये री और एक ये री, तीन बैटरी ओके है हमारे पास। अभी रिमोट हमारे पास है, तो हम इसको अभी प्रोपलर लगाते हैं। इसको यहाँ से खोल लिया, इसको यहाँ से ऐसे, और इधर इसको इधर से राउंड करके खोलना होता है इसके। और ये हमने इसको यहाँ से ओपन कर लिया, इसके ये जो गिम्बल का प्रोटेक्शन दे रखा है, इसको हमने यहाँ से ऐसे निकाल दिया। तो अब इसमें हम प्रोपेलर लगाएंगे। इसको रखने के लिए एक स्थान नहीं है, पर हम यहाँ पर रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मोस्टली दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, इसमें सिल्वर और ब्लैक होते हैं, इनको देख के प्रोपेलर को लगाना पड़ता है। इसमें यह सिल्वर दे रखा है, तो यहाँ पे भी सिल्वर है, इसको हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। ये देखो, ये ब्लैक है, इसमें सिल्वर नहीं दे रखा, तो ये हम ब्लैक में लगा देंगे। दो ही कलर होते हैं, सिल्वर और ब्लैक। फिर से सिल्वर लगा देते हैं हम। तो फिलहाल ये हो चुका है अभी रेडी। अब हम निकालते हैं रिमोट को, जो इसको कंट्रोल करेगा। और ये हमने निकाल लिया रिमोट, इसको कर देते हैं ऑफ, क्योंकि अभी हमें इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे इसके जो स्टिक दिए हुए हैं, तो इसको हम यहाँ से इसको लगा लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, इसकी जो डाटा के लीड है, जो केबल है, वो हर एक फ़ोन की होती है, डी टाइप, सी टाइप, आईफोन की स्पेशल, क्योंकि इसको अलग से परचेज नहीं करनी पड़ती है। और इसको यहाँ पे हमने फ़ोन लगाएंगे। अभी ये देख रखी है आईफोन की, तो आईफोन उससे तभी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। तो अब हम हमारे स्टूडेंट का फ़ोन लेंगे और ये लीड भी चेंज करेंगे। तो अपना फ़ोन दीजिए प्लीज़, लो खोल के। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे रिमोट से। ये यानी कि रिमोट के अंदर भी सी टाइप लगती है, दूसरी टाइप इसके फ़ोन का डाटा केबल भी सी टाइप है, तो इसके अंदर हम दोनों साइड जो सी टाइप होगी वो इसके अंदर कनेक्ट करेंगे।
तो इसको हम यहाँ से ऐसे लगा लेंगे, इधर से इसको डालेंगे। ठीक है, अभी हम इसका लॉक ओपन करेंगे। तो 020 700, तो ये हो चुका ओपन। हम इसको यहाँ से ऑन करेंगे, एक बार प्रेस करके दूसरी बार प्रेस करके रखेंगे, ये हो चुका ओपन। अब हम इसको भी ओपन करेंगे, ये बैटरी दी हुई है, इसका बटन जो एक बार प्रेस करने के बाद दूसरी बार प्रेस करके रखेंगे तो ये हो गया ओपन। ये देखो हल्का से इसके प्रोपेलर वर्क करेंगे। अब इसका अपने ओपन कर लेते हैं, ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं जो बेसिक है इसका। बाकी इसके लिए आपके लिए वीडियो मैं बनाऊंगा एज ए ब्लॉग के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी, तो आप वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अपने सीखने की लाइन में बहुत ही बेटर रहेंगे आपके लिए। इसका लॉक दोबारा लग चुका है, 022 843। तो ये अभी यहाँ पर आ चुका है गो फ्लाई, तो हम यहाँ से इसको अब गो फ्लाई करेंगे। ये कर दिया ओके, एक बार इसको अपने ऑटो पे कर देते हैं ताकि तो अभी इसका ये देखो यहाँ पे इसकी नेटवर्क आ चुका है, जीपीएस कनेक्ट हो चुका है। तो हम इसको अब ये देखो ये यहाँ पे आ गया जीपीएस। तो अब यहाँ से हमारी बैटरी है 100% पूरी, तो इसको हम यहाँ से फ्लाई कराते हैं। इसको हम जैसे कि यहाँ से पकड़ लिया, इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है इसको फ्लाई करने का, इस पर क्लिक किया, इसको दबा के रखा और इसको अब हम छोड़ देंगे, यानी कि ये अपना अभी इसके दोस्त करेंगे। तो दोस्तों अभी इसके जॉयस्टिक दे रखे हैं, ये लेफ्ट हैं और राइट है, इनके मैं वर्क बता देता हूँ। नॉर्मली इससे अब डाउन होता है, इसे इधर से लेफ्ट से राउंड होता है, इधर इससे राइट से राउंड होता है। ये काम अप डाउन और घूमने का काम करता है। जो इसका राइट दे रखा है, इसे इधर करेंगे तो राइट साइड जाएगा, इधर करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएगा, इधर करेंगे तो आगे जाएगा, इधर करेंगे तो पीछे आएगा, आगे पीछे राइट लेफ्ट, ये इस राइट साइड जो स्टिक का वर्क है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसकी सेटिंग के में तो बहुत कुछ पड़ा, बाकी आपको मैंने हल्का सा बेस दे दिया, बाकी आपको मैं फ्लाई करके ड्रोन दिखाता हूँ। करके दिखाता हूँ, जैसे कि आपको लेफ्ट साइड का बताया था मैंने, यानी कि अप करेंगे तो ऊपर जाएगा और डाउन करेंगे तो ये नीचे आएगा, और अगर इसको हम इधर से राइट से घुमाएंगे तो राइट से राउंड करेगा, लेफ्ट से घुमाएंगे तो लेफ्ट से राउंड करेगा। अभी हम लेफ्ट से घुमा रहे हैं, ये राइट से, देखो इसके लेफ्ट जॉयस्टिक का वर्क हो गया दोस्तों। अभी जो अपने अगर करेंगे राइट से, राइट से मैंने आपको जैसे ही बताया था, अप करेंगे तो आगे जाएगा और डाउन करेंगे तो वापसी बैक आएगा, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। और इसमें अगर अपने राइट करेंगे तो राइट को जाएगा ऐसे, और अगर इसको लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की तरफ ही आएगा, जैसे कि इस तरीके से। तो मोस्टली मैंने आपको दोस्तों जॉयस्टिक के बारे में आपको मैंने गाइड कर ही दिया है, और बाकी आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। अभी हम हमारे जो अभी स्टूडेंट हैं उनसे वीडियो ड्रोन फ्लाई करवाएंगे और उनको बताएंगे और वो कैसे उड़ाते हैं, उस तरीके से आपको दिखाएंगे भी उनको कितना समझ में आया। और अभी एक बार मैं इनको इसको टेक ऑफ कर लेता हूँ, डाउन कर लेता हूँ, मैं भी बताता हूँ इसको कैसे पकड़ना है। अभी बताते हैं जैसे कि आपने सोचा होगा शायद ये मैंने कैसे पकड़ा है, तो अगर आपने सीधा नॉर्मली इसको अगर करेंगे तो ये हाथ में नहीं होंगे, इसके नीचे सेंसर दिए होते हैं, सेंसर ऑन होते हैं, अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो अपने ये जो इसमें लेफ्ट दे रखा है इसको बिल्कुल डाउन करेंगे, डाउन करके ही रखेंगे तो फिलहाल 2 सेकंड के बाद इसके सेंसर खुद में खुद ऑफ करके अपने हाथ में आके आ जाएगा, इसको हम यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में ये हमारे पास सेफ है, इसको ऑफ कर देंगे। बट अभी हम मिलते हैं हमारे स्टूडेंट के साथ। तो अभी दोस्तों हमारे स्टूडेंट अभी फ्लाई करेगा, तो प्लीज़ इसको करिए फ्लाई जैसा आपको मैंने गाइड किया है। ठीक है भाई, तो हाँ अब छोड़ दो इसको, ड्रोन को छोड़ दो, ड्रोन को छोड़ दो, ड्रोन को छोड़ दो। हाँ ये ड्रोन जाने लगा, अब जैसे आपको वर्क बता उस तरीके से वर्क कीजिए। ये अब ऊपर कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर रखिए, ऊपर रखिए, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो, नीचे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ये
अभी फ्लाई कर रहे हैं हमारे ऑपरेटर, और जैसे ये एक बार अपने एक्सपीरियंस में लगे हैं, मिलते हैं इनके एंड में भी इनका कैसा अनुभव रहा है। तब तक बने रहिए और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, और आगे हमारे वीडियो वॉच करने के लिए हमारा सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे जल्द आपके पास पहुँचे। हमारे ब्लॉग बहुत बेस्ट बेस्ट एज ए फोटोग्राफी लेवल और हर तरीके के ब्लॉग हमारे आपके पास पहुँचेंगे और बहुत ही आपके काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों जल्दी। ये मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत इसको पता चल चुका है, ये टेक ऑफ करना भी सीख गए, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है इसको पकड़ना, क्योंकि इसके नीचे पैर नहीं दिए हुए हैं। ये देखो अब अपने आप करने लग गया है हमारा लड़का, क्योंकि प्रैक्टिस तो ये काफ़ी टाइम से कर रहा है, क्योंकि पहले फैंटम फॉर एडवांस प्रो चला रहे थे। अभी मैविक एयर 2 लिया है जो बहुत बढ़िया है, अच्छा मॉडल है। इसको अप डाउन करो एक बार और, लास्ट में दिखाओ दोस्तों को, अप डाउन पकड़ना नहीं है, एक बार उड़ा के दिखाओ दोस्तों को एक बार। ये देखिए मेरी बनाई देर लेंगे दौर लेंगे अभी इसको टेक ऑफ करवा लो, टेक ऑफ करवा लो भैया, इसको सर बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ऊपर करो पहले इसको, क्योंकि आप सेंसर में आ रहे हो नीचे पीछे। हाँ अब टेक ऑफ करवाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बुला ले, आवाज मार ले, लड़का कामयाब होगा ये। तो दोस्तों अभी हम पूछते हैं इनसे। तो दोस्तों फिलहाल इनको आज मैंने जितना भी गाइड किया उसके बारे में इन्हीं से पूछते हैं। तो संदीप आपका आज का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। मैविक एयर 2 मैंने आज पहली बार हाथ में पकड़ा है। वैसे पहले फैंटम 4 एडवांस वो करते थे ऑपरेट, वो भी सर जी ने सिखाया था मुझे। बड़ी बात तो ये है कि मुझे निःशुल्क सिखा रहे हैं, क्योंकि आजकल का जैसा ज़माना है वैसे निःशुल्क कोई किसी को ज्ञान नहीं देता है। सर बता रहे हैं बहुत अच्छा लगा, और आज मेरा ये फैंटम 4 एडवांस का सॉरी मैविक एयर 2 का पहला दिन था, और वैसे पहले फैंटम उड़ाते थे, अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मैं सर जी को थैंक यू कहना चाहूँगा, धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से ब्लॉग हमारे मिलेंगे। ये हमारे साथ अभी सुशील जुड़ चुके हैं, इधर हमारे सीनियर जो सुनील कुमार है जी, इनके पैर कहाँ सर पैर लाइए, भारत माता की जय। तो अभी हमारे हम चार रॉयल स्टूडियो की टीम की ओर से चार मेंबर आए हुए हैं यहाँ पे कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, और बने रहिए दोस्तों, आपको नए नए ब्लॉग हमारे मिलेंगे और आपको आई होप उम्मीद करूंगा अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आज तो ब्लॉग में मैं भी आया हूँ, तो आपका हक है कि आज इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक तो बढ़ता ही है। जय बाबा की। ये हमारे सुशील का एक अच्छा सा वर्ल्ड है इनका, जय बाबा की, अच्छा लगता है वैसे, जय बाबा की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।